मकला था जो अनारकली को मुगल आजम ने कैद किया था। अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा देते उसे लाहौर पाकिस्तान जिंदा भगाते थे, जहाँ से आगरा फोर्ट, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान। तो सोनू भाई के बाद में हम फतेहपुर सिकरी के पूरे प्लेसेस देखेंगे जितना भी है। वो बसेस है जाने के रास्ते, अभी जो बुलंदरवादी के साइड जाएंगे घूमते हुए बुलंदरवादा भी देखेंगे बाहर से। अकबर ने उसे गुजरात अहमदनगर से जंग को जीता था, जीतने के बाद बड़ा किया था। अकबर ने ये अपने लिए बनाया था, ये अकबर के आने का गेट था। अंदर मस्जिद है, दरगाह भी है शेख करीम चिश्ती रहमतुल्लाह वाले की, जहाँ मुरादों के लिए डोरी भी बांधते हैं। आज भी अल्लाह ताला की दुआ से हम मुरादें कबूल। देखो ये परिंदों के आस्ते बैठने के लिए स्टैंड्स बनाए, छोटे छोटे घर भी बनाए उनके लिए। पहले की इमारतों के अंदर रहते थे ये, परिंदों का भी ख्याल गया जाता था पहले। यह है स्टेयर्स, स्टेयर्स से चढ़ के हमको शाही दरवाजे से एंट्री लेना है अंदर के साइड में। यह शाही दरवाज़ा फर्स्ट डोर जो बोलते हैं स्टार्टिंग का, यह फर्स्ट डोर, दिस इज शाही दरवाज़ा। और जो साइड उसके पीछे की साइड में है वो है अपना बुलंद दरवाज़ा। देखो ये गेट है शाही दरवाजे का। ये जो जगह देख रहे हैं जगह का नाम फतेहपुर, इसके बैक साइड में है सीकरी, दोनों को मिला के फतेहपुर सीकरी बोला जाता है। इस जगह का नाम था अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी पे एक बाबा रहते थे सूफी संत, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। इनके आशीर्वाद से अकबर बादशाह अजमेर शरीफ से नंगे पैर चलकर आए थे। महारानी जोधाबाई से अकबर को औलाद मिला था। अकबर ने जोधाबाई की खुशी में फतेहपुर सीकरी को बनाया था। 1570 में बिल्डिंग को स्टार्ट किया था, 1582 में कम्प्लीट किया था, 12 साल में इस पर कम्प्लीट किया था। इस दरगाह को अकबर ने लाल पत्थर से बनाया, जब बेटा हुआ जहांगीर इसको वाइट मार्बल से बनवाया था। उसी दरगाह शरीफ के अंदर तीन तरफ जाली हैं आज भी, जहां मुराद के लिए डोरी बांधते हैं, जो मुरादे मांगते हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, जॉब के लिए, सर्विस के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए, लाइफ के लिए, सरकार की दुआ से जो भी मुरादे मांगते हैं अल्लाह ताला की दुआ से हर मुरादे जहाँ कबूल होती हैं सरकार से। जो मुरादे मांगते हैं पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, एक गांठ पर तीन मन्नत करते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं अपनी मन्नत को शेयर करते हैं, अनमेरिड होते हैं अब दिल में रखते हैं, पूरा होने के बाद कंपलसरी नहीं है फतेहपुर सीकरी आए। जहाँ रहते हैं इनका नाम लेके दो गरीबों को खाना तकसीम कर देते हैं, जिनका बुलावा नहीं होता लौट कर चले जाते हैं। छोटा वाला दरवाज़ा देख रहे हैं, इस गेट का नाम हमने एंट्री की, गेट का नाम शाही दरवाज़ा था। इसी गेट से बादशाह अकबर वहाँ एंट्री करते थे, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे। आज भी जहाँ पाँचवें टाइम की नमाज अदा करी जाती है। इसके बैक साइड में है बुलंद दरवाज़ा, वर्ल्ड फेमस गेट, अकबर ने उसे जीता था गुजरात अहमदनगर से, जब गुजरात से जीत कर आए थे इसको बड़ा किया था, 2 साल में कंप्लीट हुआ था। उसका जो हाइट है इससे लेके टॉप तक 176 फीट है, 176। दुनिया का सबसे बड़ा गेट है फतेहपुर सीकरी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। वो जो बुलंद दरवाज़ा टिका हुआ है वो पलरों के ऊपर टिका हुआ है, खाली है पूरा वो। उसका जो हाइट है इससे लेके टॉप तक 176 फीट है, 90 फुट उसकी चौड़ाई है। ये 84 कमरे, बच्चों को जहाँ तालीम देते थे, पढ़ाने वाले का नाम था अब्दुल फैदिल, आज भी बच्चों को तालीम दरगाह के बैक साइड में देते हैं। क्या सुरंगे जो अनारकली को मुगल आजम में कैद किया था, अनारकली को मुगल आजम में चुनवाया गया था दीवार के अंदर, उसे चुनवाया नहीं था, पीछे के रास्ते से लाहौर पाकिस्तान निकाला था। जो अनारकली को मुगल आजम में कैद किया था, अनारकली को दीवार के अंदर चुनवा देते उसे लाहौर पाकिस्तान जिंदा भगाते, जहाँ से आगरा फोर्ट, आगरा से दिल्ली, दिल्ली से लाहौर पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, टूट चुका है अंदर से, डैमेज है वो, पत्थर का कूलर है, एयर कंडीशन दीवार से टकराने के बाद आती है हवा। और एक एसी का कूलर भी है, नेचुरल कूलर जो बनाया हुआ है उन्होंने मुगलों के टाइम का, तो वो साइड में वो भाई बता रहा है हमको गाइड वाला, ठीक है वो भी देख लेते हैं। क्या मीना बाजार है, उस टाइम में मीना बाजार लगता था इधर। देख रहे हैं कांटे वाली मीनार, जो अकबर बादशाह ने राजा मान सिंह ने जोधाबाई को गिफ्ट दिया था, वो हाथी की डेड हो गई, वह समाधि बनाई उस टाइम की। पहले जमाने में कोई पुलिस नहीं थी, कोई इंसाफ करने वाला नहीं था, हंसी इंसाफ करता था, गुनहगार को कुचल के मारता था, सही को छोड़ता था उस टाइम पर। ये अकबर, ये मस्जिद का एरिया, अजान हो रही है अभी।
और ये पोर्शन है बुलंद दरवाजे के फ्रंट साइड का, यानी यहाँ से होकर आप जाओगे और ये साइड में जोर की नमाज अजान हुई वहाँ पर, सब नमाज पढ़ेंगे वहाँ पर जोर की, फिर बाद में हम बुलंद दरवाजा देखेंगे और फिर आगे ताजमहल की तरफ। माशाल्लाह, ये अकबर बादशाह के तीनों मस्जिद है, इनके सदके से, इनके वसीले से दुआ मांगी गई थी तभी उनकी औलाद हुई थी अकबर बादशाह को, तो उनकी पूरी मस्जिद है। अंदर का नज़ारा बता दिया मैंने आपको कैसा कैसा है, तो यहाँ पे देखो कवाली का प्रोग्राम चल रहा है सामने साइड, बहुत बेहतरीन माहौल लग रहा है यहाँ पर एकदम, यानी जो बनाया गया था उनके इसके अंदर ही बनाया गया था, जो उनकी पीर मुर्शिद है अकबर बादशाह के, तो उनके लिए पूरा वाइट मार्बल में बना दिया इन्होंने, पूरा वाइट मार्बल, यानी यूनिक ऐसा सेंटर पॉइंट लगता है यहाँ पे बीच में दरगाह, बाकी सब रेडिश है, बीच में जो मार्बल्स का है ओनली वही वाइट कलर का दिखेगा यहाँ पर, देखो साइड में। और ये उनकी हस्ती जो उनके साथ में के थे उनको यहाँ पे दफनाया गया साइड में, भाई साइड में। यह है पानी का कुआं, यहाँ से पानी निकाला जाता है और पानी ऐसा पिया जाता है एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का। मुझे लगा नींबू शरबत है, पानी का कुआं है।